अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ईद का दूसरा दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज है हमारे घर पे दावत, हमारे घर पे नहीं कहीं और हमारी दावत। चलें हम रेडी होते हैं, चलें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, मैंने मिस रोज़ का प्राइमर यूज़ किया। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना पीछे से मैं बोले चले जा रही, मतलब मैंने आवाज़ रिकॉर्ड करने की कोशिश करी थी कि मैं ऐसे करूँ, पर पीछे से बच्चों का शोर और उनकी पोयम का शोर और बार बार मम्मा हमें ये करना है, मम्मा हमें ये चाहिए, उनको रेडी करवा के मैंने बिठा दिया था। तो अब उनको सब चीज़ें जाना था बस बाहर। चलें जी, हम यहाँ पे मेकअप करते हैं। मेरी लिपसिंग पे मत जाइएगा। यहाँ पे हमने फ्लोर मार्क करना कंसीलर किट मैंने यूज़ किया है। इसका वाइट शेड जो है ना, वो मैंने सबसे पहले आँखों पे लगाया है, क्योंकि डार्क सर्कल मेरे बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा। शायद नींद पूरी ना होने की वजह से और रात को मोबाइल यूज़ करने की वजह से होते हैं, पर ख़त्म कभी नहीं होते। मैं कुछ भी ट्राई कर लूँ, मेरे डार्क सर्कल कम होते हैं पर ख़त्म नहीं होते। अब ईद का मौका, ऊपर से ना इस जॉब वगैरह भी थी, तो इसलिए उस हिसाब से मैंने कोई कुछ भी नहीं किया था उनके लिए, डार्क सर्कल के लिए। चलिए, यहाँ पे हमने अपना बेस लगाया। बेस जो है फिटेड का एक लोकल बेस है, मैंने शॉप से नॉर्मली लिया था। ये था कि इसमें ना पसीना नहीं आता था, ये बहुत ड्राई था, तो मेरे लिए बहुत अच्छा था। और यहाँ पे मैंने गीला स्पंज लिया और उससे, अच्छा मैंने पहले से गीला करके अच्छे से निचोड़ लिया, कपड़े में डाल के इसको रोल करके अच्छे से सुखा दें, फिर थोड़े जैसे हल्का हल्का गीला होता है ना, उसको फिर आप यूज़ कर लें। मेकअप कर स्टार्ट करने से पहले आप इसको गीला करके रख सकते हैं, उसको ना सुखाने के लिए, मतलब इसका निचोड़ के पानी इसको रख दें साइड पे। तो जब आप ना बेस लगाना स्टार्ट करें तब आप ना इसको लगाएंगे तो बहुत अच्छा बेस बैठता है इससे। तो ये मेरा बेस हो गया। और ये एक ना इसका ये फेस पाउडर है जो 1+1 समथिंग वो था, मैं इसका नाम मेंशन कर दूँगी नीचे। और ये बहुत ज़बरदस्त है, मुझे गिफ्ट में मिला था। मैं असल में फेस पाउडर्स पहले जो यूज़ करती थी ना, मैं मैबेलाइन का करती थी, तो ये मुझे गिफ्ट में मिला था। मेकअप गिफ्ट मिले थे बहुत सारे चीज़ें, तब मैंने इन्हें लिया था। तो ये बहुत ही अच्छा, इससे ये होता है कि स्किन, आप जितना भी ना गर्मी हो ना, तो इससे ना स्किन पूरा ना बेस हटता नहीं है, और जैसे मेकअप पिघलता है नहीं, पसीना आता है, बट ये है कि वो नहीं होता, मतलब पूरा ख़राब नहीं होता, मेकअप अपनी जगह पे सही रहता है, फिट होता है। तभी मुझे ये इस हिसाब से थोड़ा ये वाइटिश शेड है, इसको पर थोड़ी देर के लगाने के बाद छोड़ देंगे ना, तो ये सही बैठ जाता है आपके बेस के साथ। ये कि मुझे यहाँ पे जल्दी थी और ना थोड़ी देर में ही बुलावा आने वाला था, क्योंकि 9 बजे जाना था और 9 बजने में से 10-15 मिनट थे, इसलिए पर्स थोड़ा जल्दी जल्दी करना था। बच्चे तो रेडी थे, वो अपने सैंडल वगैरह पहन रहे थे। चले जी, हमने अपना लगा दिया। अब मैं तो आई शेडो तो मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, ये ना सिनेमन वो था शेड था मिस रोज़ के पैलेट का, तो ये थोड़ा ना पिंकिश और स्किन और पिंकिश ऐसा शेड है, तो ये ना आँखों के डार्क सर्कल को बहुत अच्छे से कवर करता है। तो हल्का हल्का मैंने ये लगा दिया कि लगे ना कि ना आई शेडो लगा हुआ है और डार्क सर्कल भी थोड़े छुप जाएँ। तो ये नीचे की तरफ भी लगाया मैंने आँखों के और ऊपर भी लगाया, तो काफ़ी मेरा फ़र्क पड़ता है इससे। और ये मेरे पास है नेकेड 3 की किट है, ये तो काफ़ी पुरानी है मेरी, अभी तक चल रही है, तो चला रहे हम भी। तो इसमें का मैंने ब्लैक शेड लिया, थोड़ा शिमरी सा ब्लैक था, उसको मैंने ना आई लैशेज के ना ऐसे ऊपर ऊपर हल्का हल्का ना इसको मैंने कर दिया। यहाँ पे मानूर को भी मेकअप करना था, बार बार बोले जा रही थी, ये देखिए। चलें जी, हमारी आईज़ रेडी हैं। यहाँ पे मैंने ना मस्कारा हल्का सा लगाया था, रिवाज का मस्कारा लगाया था और हल्का सा लाइनर लगाया था, ज़्यादा मैंने लगाया नहीं था कि इसको वो ना हो, मतलब हैवी लुक नहीं दिया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मेरा इरादा था कि मैं थोड़ा मेकअप नॉर्मल ही रखूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने ना एक पीच शेड का मैंने ब्लश ऑन लिया है, ये बहुत लाइट सा ब्लश ऑन, इसको जितना भी लगाओ ना उतना लाइट हो जाता है। ये हमने जल्दी जल्दी से ब्लश ऑन ऐड कर दिया। मेरा मेकअप पूरा हो गया, अभी भी मेरे डार्क सर्कल देखे लाइट लाइट नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये मैंने एरेंज किए थे बहुत अच्छे से, नाजुक से, मुझे बहुत क्यूट लगे थे, मैंने लाइट पिंक लिपस्टिक लिए
थोड़ा डार्क है तो थोड़ा लाइट में करना चाहिए। चलिए जी अब हम ज्वेलरी पहनते हैं। मैंने कल अच्छा मैंने ये इयर रिंग्स पहन लिए। ओके अच्छे लग रहे हैं। मेरे पास एक ये रिंग है और मैंने हाथों में कड़े पहन लिए हैं और ये गोल्ड की रिंग है, एक और गोल्ड की रिंग पहन ली जी। अभी हम रेडी हो गए फुल, बस मैं सोचूं जूड़ा बना लूँ क्योंकि गर्मी में बाल नहीं खोले जा सकते। कमरे में निकल आया, चलो इसको सही कर देंगे जी। हमारे बाल भी बन गए, मैंने जूड़ा भी बना दी और लठे में निकल गई। कमी में परफेक्ट है। चले जी हमारा फाइनल लुक है ड्रेस के साथ, मेकअप के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।